इतने मटेरियल का करोगे क्या भाई? मतलब दुकान खोलनी है बेचने के लिए भाई पे 90 लाख यूसी है। गुटका धारी नागिन को उतरते ग्रोसा चिपकाइए। राइट साइड से कौन है नुबड़ी का? आया प्लेयर सामने एक। ओ भाई ये बढ़िया था, कुछ भी बोलो, दिस वाज नेक्स्ट लेवल स्टफ भाई। आज के टाइम की स्नाइपिंग अलग लेवल पहुंच गई हो क्या भैया? क्या कर रहे हो आप? ये M416 है भाई के हाथ में। या तो भाई तू नाच रहे या तो क्लिप दिखा ले। थैंक यू सो मच। मैंने कहा भाई ये इतनी जगह पे रखेगा, खुद नाचता बैठेगा पूरे टाइम। तो बढ़िया है, बट लेफ्ट वाला जो आपके मुंह पे गोली मारने वाला है उठा के, उसका क्या करोगे? क्लिप कट कर दोगे तो बच जाओगे ऑफ कोर्स गाइस। भाई ये क्या है भाई? ठीक है बढ़िया, एक सूट है, नॉट बैड नॉट बैड, आई लाइक इट। रोजा लेकर के भैया उतरे, एक बंदे को मारा उल्टा घूमे 180 डिग्री, दूसरे को मारा। भाई स्प्रे ट्रांसफर देख रहे हो तुम? देखो जिसका स्प्रे ट्रांसफर अच्छा होता ना वो बंदा क्लोज रेंज में बहुत बाप होता है, और उसका स्प्रे ट्रांसफर बहुत बाप लेवल का है। रिफ्लेक्स देख रहे हो कैसे मार रहा हूं मैं? ऐसे ही रिफ्लेक्स देखेंगे अभी सीजन 1 कॉन्करर के भाई। दिस इज सम नेक्स्ट लेवल अच्छा प्रॉक्सी भैया, इसके रिफ्लेक्स तो ऐसे भी बहुत अच्छे भाई। रुला देता है भाई एनिमीज को मार मार के, बहुत कितना जिंदगी बदल देता है उनका भाई ये। भाई 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 All I gotta do is put my mind to this shit. Cancel out my ex, I fall in line through that bitch. भाई साहेब क्या बनाया है भाई? Love is my love, love, love. Baby, I love you, I need you here. ये आइडियाज आए किसको? पहली बात तो अगर तुम्हारे को अपने रिफ्लेक्स इतने तेज करने तो तुम्हें हाई सेंसिटिविटी पे खेलना आना चाहिए, मतलब डायरेक्ट 400 आना चाहिए, समझो 400 की सेंसी अगर तुम्हारी नहीं है तो तुम ऐसे नहीं नाच सकते। ठीक है, ऐसे नाचने के लिए तुमको सेंसिटिविटी चाहिए 400 की। भाई साहब उतरते दो बंदे, अरे अरे निहत्ता भाई को काट दिया भाई, काटन काटी होगी। ठीक है सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए, साथ में क्लच करते टाइम तुमको, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों ना आज के टाइम पे भी ड्रॉप शॉट मारना नहीं आता है, बट मैं अगर तुमको एक चीज अपने गेम में इंप्रूव करनी है तो अलग अलग यू नो चीजें, जैसे ड्रॉप शॉट हो गया, माइक्रो पीक हो गया, जिगल हो गया, ये चीज अगर तुम अपने गेम में डाल दोगे ना, जैसे ये देखो इसने एक बंदे को मारा, स्प्रे ट्रांसफर करा, एफपीवी पे गया और ड्रॉप शॉट मारा, समझ लो लाइक 3-4 अलग अलग मूव सेट एक साथ करे, वो अलग बात थी कि एनिमी मतलब इसमें बहुत ही ज्यादा सस्ता नशा करके बैठा था एट एन एक्सट्रीम लेवल। ठीक है बट तुम देखो ना इसके अभी जितने भी क्रैचेस होंगे हम उसको यू नो अच्छे से ब्रेक डाउन करने का ट्राई करेंगे कि इसके मूव सेट क्या है, क्या कर रहा है, जो तुम भी यू नो फिर अपने गेम में डाल पाओगे प्रैक्टिस करके। ये चार बंदों को तो पेल दिया, तीन बंदे ठीक ठाक से था, आखिरी बंदा तो पता नहीं भाई, तारे जमीन का यहाँ पे नया वर्जन बनाने आया था। पीछे फुटस्टेप आ रहा है, सामने से ही बंदा आ रहा है, 6x AKM पे, AKM पे देख रहे हो भाई ने आगे मारा, पीछे घूमा 180 डिग्री, ड्रॉप शॉट मारा, FPV में गया। जब तुम FPV में चले जाते हो तो यू नो क्लोज रेंज की फाइट बहुत सॉलिड हो जाती है, तो इसलिए आई विल रिकमेंड कि तुम ट्राई करो FPV में बंदों को मारने का। लेफ्ट साइड में बंदा, राइट में बंदा, अंदर घुसा, देख रहा हूँ हवा नहीं आई है, एनिमी को हवा नहीं आई है भाई, इतना खुश हो कि अपना फोन नचा डाला भाई पूरा, समझ रहे हो? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है अब इधर भी क्या कर रहा, ये एक बहुत अच्छा मूव सेट है, अगर तुम देखो पहले बंदे को नॉक करो और दूसरे वाले पे ड्रॉप शॉट मार दो, हमेशा काम करता है फॉर सम रीजन, लोग यू नो जितने भी प्रो प्लेयर्स सब यूज करते हैं, पहले बंदे को मारो जो दूसरा आ रहा है उस पर रिफ्लेक्स ड्रॉप शॉट मार दो, हमेशा काम करेगा। क्योंकि क्या होता है ना, दूसरा प्लेयर हमेशा बहुत जोश में घुसता है, बहुत पागलों की तरह घुसता है, उसको लगता है वो सामने वाले को पेल देगा क्योंकि यू नो तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, बट जब तुम उस पर ड्रॉप शॉट मार देते हो ना उसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है कि यू नो कि सामने वाला ड्रॉप शॉट मार देगा, तो एकदम स्टन हो जाता है दिमाग से और तुम्हारे पे एम नहीं कर पाता है और तुम उसे इजिली मार देते हो। ठीक है
लेट्स सी अगर हम इसके और एग्जांपल भी देख पाए यहाँ पे ड्रॉप शॉट की ताकत आज तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम यू नो ड्रॉप शॉट मारना सीख जाओ भाई, मतलब यू नो अगर तुमको नहीं आता। और साथ में स्प्रे ट्रांसफर, तुम एक बंदे को मारते मारते कैसे एकदम स्प्रे ट्रांसफर कर सकते हो दूसरे बंदे पे, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे प्रो प्लेयर्स को आता है ये, जिसका बहुत एक्सट्रीम लेवल पे अच्छा होता है वो तुमको पता है भाई वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर बन जाते हैं। सिंपली बता रहा हूँ मैं, एक बंदे को मारते मारते स्प्रे ट्रांसफर करना बहुत इंपॉर्टेंट है गेम में। गाड़ी के पीछे बंदा एंगल बना के गोली मारने का ट्राई कर रहा है, बहुत डैमेज पड़ा उसे, बच गया अभी तक तो, लेकिन भैया गाड़ी आपको नहीं बचा पाएगी मेरे भाई। एक और बंदा है, अब देखो यहां पर जैसे ये ओपन में रश कर रहा है, क्या मैं ये रिकमेंड करूंगा? नहीं, अगर एनिमी अच्छा हो तो यहाँ पे ये फिनिश हो जाता, बट ऑफकोर्स ट्राई करने में क्या। जैसे देखा मैं ये बात कर रहा हूँ, एनिमी को मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे उम्मीद नहीं होती कि तुम यू नो रश करते टाइम ड्रॉप शॉट मार दोगे, या फिर जब तुम लड़ाई कहीं और ले रहे हो उन पर यू नो ड्रॉप शॉट बहुत अनएक्सपेक्टेड है आज के टाइम में भी। इसको काउंटर करना भी बहुत ईजी है अगर तुम्हें पता है, मतलब यू नो स्पेशली अगर तुमने ड्रॉप शॉट खुले में मार दिया और सामने वाला एनिमी ने टीपी भी ले लिया तो तुम गए। तो ड्रॉप शॉट मारने का बेस्ट टाइम होता है जब सामने वाला ओपन में हो, ठीक है? अगर सामने वाला एनिमी टीपी भी ले रहा है किधर, लाइक अगर वो दीवार के पीछे टीपी भी ले रहा है और तब जाके तुम टीपी यू नो ड्रॉप शॉट मारते हो, तो वापस छुप जाएगा दीवार के पीछे और तुम बस खुले में लेटे रह जाओगे, समझ रहे हो? और फिर तुम्हारी ऐसे खुले में पेलम पाली होगी ना, लेटा करके तेल लगा करके ड्रॉप शॉट मारना भूल जाओगे वापस जिंदगी में, मारोगे नहीं। इसलिए ड्रॉप शॉट तभी मारना जब एनिमी सामने वाला ओपन में हो और वो टीपी भी ना ले पाए। अगर वो टीपी भी ले सकता हल्का सा भी तो मत मारना भाई, नहीं तो बहुत गद्दा पिटोगे, क्योंकि तुम तो खुले में लेट जाओगे मारने के लिए, वो बंदा अपनी मुंडी छुपा लेगा दीवार के पीछे, फिर वो जब निकलेगा ना मारने तुम्हारी तुम्हारी हवा उड़ जा रही है बस फिर, समझ रहे हो? इसलिए टाइमिंग हर चीज़ की, ऐसा नहीं होता कि हर जगह सब कुछ मार दो। एक बंदे को नॉक करा है, दूसरा प्लेयर आया वो सामने से, भाई उसने बहुत डैमेज दिया है सामने। ओके डक्शो गेमिंग ने भी ट्रेड कर लिया डैमेज, दूसरा प्लेयर आया पीछे से, बढ़िया मॉलीफाई किए, जल जाएगा ये तो, जलोगे रे मेरे भाई। अरे अरे नीचे कूदने, अरे अरे वो नीचे बचने का ट्राई कर रहा था बेचारे को आधे रास्ते पर। ये दूर से कौन गोली मार रहा है मेरे भाई, व्हाट इज दिस बिहेवियर? राइट साइड से भैया मजे लेने के लिए कोई ना कोई तो आया है यहाँ पे, भैया गाड़ी से उतरा है, इसका टीम में डीपी लेके आया। अरे नंबर थ्री तो फिनिश होगा भाई, गया वो तो। नंबर फोर पहाड़ से एंगल बना रहा है, नंबर टू और रक्षा गेमिंग भैया नीचे आए हुए हैं, स्मोक फेंका है, नीड को करना चालू करा। अरे सामने वाले एनिमी ने अच्छा मारा यार, नंबर टू भी गया, फिनिश। राइट से एक बंदा है उसको नॉक करा, लेफ्ट साइड से आया, ये भी एक और अच्छा मूव है, तो अगर तुमको पता ना हो क्राउच करना फाइट के बीच में, क्राउच करके वापस खड़ा होना। इससे क्या होता है ना, जब तुम क्राउच करते हो तो एनिमी मोस्ट ऑफ द टाइम हेडशॉट मारने के लिए अपना ये नीचे लेके जाएगा, फिर तुम वापस क्राउच करोगे तो तुम खड़े हो जाओगे, वो अपना एम रीएडजस्ट करता रह जाएगा, तुम सामने वाले की जिंदगी में खेल जाओगे, समझ रहे हो? ये वाली मूवमेंट ये भी तुम सीख सकते हो प्रैक्टिस करना, ड्रॉप शॉट हो गया, ये दो मूवमेंट होगी, इससे तुम्हारा गेम प्ले बहुत इंप्रूव हो जाएगा। मतलब बजाक सेट के झूठ भी नहीं कह रहा, क्लोज रेंज के फाइट में लोग ट्राई करते हैं कि हेडशॉट कैसे मारे, अब जब तुम उसके सामने नाच रहे हो लिटरली डांस इंडिया डांस का, तुम ऑडिशन दे रहे हो तो सामने वाला एम कैसे करे है? देखो स्प्रे मारना है तो ऑफकोर्स सेंसिटिविटी और प्रैक्टिस के ऊपर आता है, बट क्लोज रेंज फाइट ना मेरे अकॉर्डिंग आर्ट, और ये आर्ट ना सबको नहीं आता है, जो ये आर्ट सीख गया वो बंदा वक्त के बाद जिंदगी बदल देता है। ये अपने टीममेट को मारने चला गया था खुशी खुशी, उसने कहा चलो अपने टीममेट को ही मार के केडी बढ़ा लेते, लेकिन पीछे से दूर से बंदा स्प्रे मार रहा है। ये तो देखो कॉन्फिडेंस की बात है कि तुम खुले में खड़े हो कैसे स्प्रे मार रहे हो, क्या तुमको ये ट्राई करना चाहिए? नहीं, इससे क्या होगा केडी जाएगी, बट यू नो ये सीजन वन कॉम कर रहे तो चलता है। फुटस्टेप आ रहा राइट से भी लेफ्ट से भी, सामने बंदा लेटा है, अरे अरे एक बंदा नॉक, दूसरे को राइट साइड में दिया, क्लोजिंग कर रहे भैया, तीसरे वाले को दिया, तीनों को दे दिया भाई, तो बहुत ही साफ हो गए, पीक लेते पिकाचू बनाया इनका तो भाई। ओके एक बंदा नॉक, दूसरा बंदा दूर से एंगल बना के, भाई पहाड़ों के ऊपर जंगलों के पास छत के ऊपर चढ़ा हुआ मेरा यार। अरे अरे दीदी तो गई भाई, नीड को करना चालू कर रहा है, सामने से भाई रश हो रहा है पागलों की तरह, सामने वाला एलएमजी मार रहा है शायद से, मॉली लग गई भाई, डैमेज बहुत पड़ गया है।
अब इसको थोड़ा सा फॉल बैक करना पड़ेगा। इसे पता है, देखो रश रश रोकने की अच्छी टेक्निक है। वॉली फेंक दो रास्ते में, रश नहीं होगा। यहाँ पे हेल्थ किट मारनी चालू करी भाई ने। ओ उतरा नीचे मारा भाई बंदे को। दूसरा प्लेयर ऊपर है लिटरली भाई। ये तो देखो, ये तो आईक्यू गेम प्ले लिटरली भाई। इसको सही टाइम पे अंदर चला। ये किस्मत भी खराब हो जाती है कभी कभार। क्या ये तो तुम्हारे सीजन वन कॉन्करर। तुम बताना भाई, तुम लास्ट टाइम कॉन्करर कब गए थे और तुम लोगों ने इस वीडियो से क्या सीखा। मिलेंगे कल।